मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से नाशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, इस टॉपिक में और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ खास ऐसे क्वेश्चन जो आपके जीके के पोर्शन को बिल्कुल तरीके से कवर करेंगे। और ये पूरा टॉपिक आपके सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है 28 जनवरी को, उसको कवर करते हुए बनाया है मैंने, ठीक है। तो इसमें अपना जितना भी करीबन 50 क्वेश्चन है, और इन 50 क्वेश्चन को मैं डीप और पूरे फोर चार जो ऑप्शन है ना, उनको कवर करते हुए मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, जो है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो हमारा जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो स्टार्टिंग में सबसे पहले आया, उसके बाद तो कंप्यूटर आया, कैलकुलेटर आया, ये बहुत सारी चीजें आई, बट फर्स्ट जो आया वो क्या था आपका, अबैकस था। कुछ बच्चे इसमें कैलकुलेटर कर देते हैं। कैलकुलेटर क्या है कि एक आपका टेक्निकल इक्विपमेंट है, और एक काफी लंबे टाइम के बाद इसका आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट जो आंसर है ए ऑप्शन, वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये बहुत जगह बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, इसमें ये क्या होती है, बिट्स होती है, और इनकी हेल्प से क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, ये सारी एडिशन हो जाता है, ये सब चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। और बकायदा इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन है वो काफी फास्ट होती है ना, बहुत सारी जगहों पे करवाया भी जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म कंप्यूटर वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे वर्ड नहीं है, ये कंप्यूटर वर्म है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कीड़ा भी बोलते हैं एक तरह से। कंप्यूटर वॉर्म का जो वर्ड था वो सबसे पहले किसने यूज किया, उसका जो राइट आंसर है वो है जॉन बर्नर, ठीक है। जॉन बर्नर कौन थे, ये जॉन बर्नर है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कंप्यूटर वॉर्म का जो वर्ड था उसको इस्तेमाल किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ, जी हाँ, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है या उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। तो आपको ये बता दूं मैं, न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है, जो कॉइन की स्टडी करता है, जैसे कि आप में से भी कई बच्चों की ये हैबिट होगी, या एक एक तरह से ये कह लीजिए कि उनको आदत होती है क्या करने की, एक आपके जो कॉइन्स होते हैं पुराने जमाने के जो कॉइन्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं वो, और न्यूमिस्मैटिक्स वो कहलाते हैं जो पुराने जमाने के, जैसे कह लीजिए अकबर के टाइम की कॉइन्स हैं, या फिर आपके आजादी 1950 के आसपास के जो कॉइन है, या उससे पुराने जो कॉइन है उनका क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कॉइन्स। तो इसके बाद बात करें नंबर्स की, कॉइन्स आप देख लीजिए कॉइन कैसे होते हैं, ये आपने सभी ने देखे होंगे, आप में सभी कई बच्चे शौक रखते होंगे इस चीज का। तो इसका जो राइट आंसर है वो कॉइन है। और बात करें नंबर्स की, तो नंबर की जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, और जो इसकी स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, न्यूमरोलॉजी। इसके बाद बात करें स्टैंप, स्टैंप क्या होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। स्टैंप जैसे आप अभी कभी भी आपको कोई लेटर पोस्ट करना है तो पोस्ट ऑफिस में हम जाते हैं तो वो लेटर आपका ऐसे ही पोस्ट नहीं हो जाता, उसके ऊपर क्या लगती है, एक स्टैंप लगती है, इस तरह की जो स्टैंप होती है वो लगती है। अब उन स्टैंप को क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर चिपका दिया जाता है। अब बात करें इसकी फिलैटलिस्ट क्या है, जो इंसान, अभी हमने पढ़ा था कॉइन्स की स्टडी करने वाले को या कॉइन्स को कलेक्ट करने वाले क्या होते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स होते हैं। इसी तरह से स्टैंप को जो इकट्ठा करते हैं और स्टैंप की जो स्टडी करते हैं कि किस टाइम पे कौन सा स्टैंप आया, क्या क्या उसमें बदलाव हुए, इनको क्या बोला जाता है, फिलैटलिस्ट। अब उसके बाद में बात करें स्पेस की, स्पेस की स्टडी करने वाले को आपको पता ही होगा एस्ट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड आई थिंक मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं। कॉइन हमने बता दिया, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया, फिलैटलिस्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, ऑर्निथोलॉजी क्या है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, अब जहां पे आपको ये लॉजी वर्ड नजर आए तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो इसकी स्टडी करे, है ना, जो इसकी पढ़ाई करे। अब पढ़ाई किस चीज की है, ऑर्निथोलॉजी क्या है, एक तरह से स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे कि आप अलग अलग तरह के देखोगे, पैरेट है, स्पैरो है, ये इस तरह से ये सारे के सारे क्या है आपके बर्ड्स जी, जैसे कि आपका। अब बात करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ प्लांट क्या है, बॉटनी को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ प्लांट। जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, आप हर तरह के प्लांट्स देखते हैं यहाँ पे, कई आपके मान लीजिए ट्रीज भी हैं, तो हर प्लांट और हर ट्रीज अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। तो उनकी जो स्टडी करेगा आप आगे चल करके, जैसे उनके अंदर कोई माहिर इंसान बनेंगे और उसके बारे में आप लंबी चौड़ी स्टडी करेंगे, तो आप क्या कहलाएंगे,
बॉटनिस्ट हो जाएंगे और उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, बॉटनी कहा जाता है। अगर बात करें बोन्स की, तो हड्डियों की जो स्टडी करता है या जो हड्डियों के बारे में जानकारी रखता है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं बोन्स के, उनको क्या बोला जाता है, ऑस्टियोलॉजिस्ट बोला जाता है, और उसकी जो स्टडी वो करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। जी हाँ, क्या होता है वो, ऑस्टियोलॉजी। और स्टडी ऑफ नॉइज, नॉइज जैसे आपके आवाजें हैं, शोर है, उनको जो स्टडी करेगा वो क्या कहलाएगा, एकोस्टिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, वो ये कहता है कि द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन, जो भी आप खाना खाते हैं सुबह से शाम, आप जो भी खाना खाते हैं उसकी जो आप एनर्जी होती है उसको किस वे में आप मेजर करते हैं। जैसे कि वजन को हम किलो में ले लेते हैं और लंबाई को हम सेंटीमीटर मीटर इनमें चेंज कर लेते हैं, उसमें मेजर करते हैं। इसी तरह से जो आप खाना खाते हैं उसकी एनर्जी को किस में हम मेजर करेंगे, तो वो है आपका कैलोरीज। ठीक है, कैलोरी क्या होता है, खाने की जो आप जो भी खाना खाते हैं उसमें जो एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है, उसको आप किस में मेजर करेंगे, कैलोरीज में करेंगे। और बात करें केल्विन की, केल्विन आपका क्या है, जो आपकी यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की, और ये आपका सेल्सियस भी टेम्परेचर से रिलेटेड है। जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब पहले इसको समझ लेते हैं कि ह्यूमिडिटी चीज क्या है। ह्यूमिडिटी देखिए, आप जब हवा देखते हैं, ठीक है, हवा आपने देखा ये ब्लो कर रही है, बह रही है, तो हवा के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं पानी होता है। अब वो पानी क्या कहलाता है, वही आपका क्या कहलाएगा, ह्यूमिडिटी कहलाएगा। जैसे बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं इस टाइम पे बाहर बहुत ज्यादा धुंध है ना। अब वो जो फोग है, फोग क्या है एक्चुअल में, वो हवा के अंदर एक पानी है। अब आप जैसे इसको और अच्छे समझे, तो जैसे आप मॉर्निंग में सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, तो आप एक थोड़ा सा लंबा सफर तय करने के बाद आप देखते हैं कि आपके बालों पे छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हो जाते हैं वाटर्स, वो वाटर कहाँ आया, आप तो पानी में गए ही नहीं। अब पानी में गए नहीं है तो फिर ये पानी कहाँ से आया, ये हवा में जो पानी था, जो फोग थी, वो क्या है, वो आपके बालों पे और आपके चेहरे पे आपको फील होती है। ठीक है, सेम चीज अब बारिश का टाइम होता है, उस टाइम पे आप देखेंगे कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आप देखेंगे कपड़े जब आप सुखाने जाते हैं तो धूप भले ही कितनी तेज हो, बट क्या होता है, कपड़े जल्दी से सूखते नहीं, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है, अब इस ह्यूमिडिटी को, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी को अगर आप देखें, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी फोन निकाल करके देखें, जनवरी का ये टाइम है, इसमें अगर आप फोन निकाल करके देखेंगे तो आप जब अपने वेदर को चेक करेंगे तो आपको ह्यूमिडिटी एयर में क्या होगी, थोड़ी ज्यादा मिलेगी, 70-80-90% भी मिलती है। अब इसकी बात करते हैं ह्यूमिडिटी चीज क्या है और किससे इसको मेजर किया जाता है, चेक किससे करते हैं कि हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, तो वो है आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, जो राइट आंसर रहेगा वो ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, सॉरी नेक्स्ट, पहले मैं आपको ये बाकी जो है ऑप्शन ये समझा देता हूं। तो बी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी को चेक करता है। ठीक है, उसके बाद जो बैरोमीटर है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है, सी नंबर ऑप्शन, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। डी नंबर ऑप्शन है मर्क्यूरी थर्मामीटर, ये तो आपको सभी को पता होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर से वो आपका टेम्परेचर चेक करता है, जब आपको फीवर हो जाता है कितना फीवर है कितना नहीं है, उसको किससे मेजर किया जाता है, मर्क्यूरी से, जो आपका है टेम्परेचर चेक किया जाता है बॉडी का। तो ये फोर ऑप्शन हमने कवर कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बॉल पॉइंट पेन इज इन्वेंटेड बाय, ये जो बॉल पॉइंट पेन है आपने अभी तक पढ़ा होगा, ये फाउंटेन पेन है उसका तो आपने पढ़ लिया, उसका जो आंसर है, फाउंटेन पेन का इन्वेंशन किसने किया, वॉटरमैन। और बॉल पॉइंट पेन है ये दो इंसान है, लेस्लो ब्रियू, इन दोनों ने क्या किया, डी नंबर ऑप्शन का राइट आंसर है, इन्होंने क्या किया था, इसका इन्वेंशन किया था, बॉल पेन, पेन जो आप रेगुलर यूज करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, थे कौन, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या थे, लेस्लो और ब्रियो, ये दो इंसान थे, वैसे तो एक ही फोटो मिली मुझे। और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज विंध्या एंड और सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल और आपके सतपुड़ा रेंज के बीच में जो आपकी रिवर फ्लो होती है वो कौन सी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका महानदी, सॉरी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है वो आपकी विंध्या और सतपुड़ा रेंज जो है, पहाड़ों की जो रेंज है उसके बीच में से निकलती है, तो वो कौन सी नदी है, नर्मदा रिवर है। और ये जाती कहाँ पे है, ये आपके अरेबियन सी में जाकर के ड्रेनेज होता है इसका। इसको थोड़ा मैप से समझते हैं,
मैथ से ज्यादा आप समझेंगे तो ज्यादा आपको याद रहेगा, और ज्यादा याद करने की कोशिश भी नहीं करनी अपने को, वैसे भी आपको याद आ जाएगा ये क्या चीज है। दो रिवर है, जैसे कि आपकी तापी रिवर है, ठीक है, तापी रिवर है और आपकी नर्मदा रिवर है। ये दोनों रिवर क्या होती है, अरेबियन सी में ड्रेनेज होता है। बाकी मैक्सिमम जो इंडिया की रिवर है, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेनेज होती है, चाहे गंगा ले लीजिए, कृष्णा ले लीजिए, सारी चीजें, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं कि आपकी जो सतपुड़ा रेंज है और विंध्याज है ये कौन सी है। ये आप देखिए यहाँ पे ये गुजरात हो गया, इससे आपको आइडिया मिलेगा। और ये आपका जो इलाका है ये पूरा का पूरा आपका कौन सा है। अब बात करें विंध्या क्या है, ये विंध्याचल रेंज है, ये पहाड़ों की एक रेंज है, और उसके बाद ये आपकी क्या है, सतपुड़ा रेंज, और इसके बीच में से क्या होती है आपकी, ये नर्मदा है। मैं आपको थोड़ा कलर अलग करके दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी क्या निकल रही है, यहां से नर्मदा रिवर है, और यहां जाकर के आपकी ये किसमें ड्रेनेज हो जाती है, अरेबियन सी में। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर स्टेशन इज सिचुएटेड इन। तो आपके अलग अलग ये रिसर्च स्टेशन है, जैसे कि आप कोई भी फसल देखते हैं, ठीक है, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, या फिर आपका राइस हो गया, ये अलग अलग आपके क्या बनाए गए हैं, रिसर्च सेंटर सरकार ने बनाए हैं। अब ये रिसर्च सेंटर करते क्या है, रिसर्च सेंटर आपकी क्या काम करेंगे उसके ऊपर नए नए एक तरह से ट्रायल किए जाते हैं कि किस बीज से, किस सीड से कितना आपकी प्रोडक्शन होगी। जैसे कि आप एक तरह से मान लीजिए, मैं आपको बना के दिखाता हूं, अब इसमें कितने आपके राइस निकलते हैं, ठीक है, एक तरह से आप ये देख लीजिए, इस तरह से आप देख लीजिए राइस है। तो आप इस तरह का एक तरह से हम बात करें कि इसमें नए नए आविष्कार एक तरह से किए जाते, ट्रायल किए जाते हैं, नए प्रयोग किए जाते हैं कि इसमें क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या निकले, सीड्स निकले, चावल निकले। तो इस तरह की रिसर्च इनमें की जाती है, नए नए प्रयोग इसमें किए जाते हैं। तो जो इसका सेंट्रल है वो कहाँ पे है आपका, कटक में। जो राइट आंसर रहेगा वो बी नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर है पाणिनि, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बाकियों के बारे में आपको बताता हूं, पहले बात करते हैं कालिदास। कालिदास कौन थे, ये आपके कालिदास जो आपको नजर आ रहे हैं। कालिदास ने क्या किया कि बहुत सारी राइटिंग्स एक बार की हैं, जैसे कि एक तरह से ये ले लीजिए कविताएं बहुत सारी लिखी हैं, बहुत सारे लेख लिखे हैं, हैं दोहे वगैरह लिखे हैं कालिदास ने। तो ये कालिदास थे, और ये किस में लिखते थे, इन्होंने संस्कृत में बहुत ज्यादा काम किया। और ये कौन है, ये है आपके आर्यभट्ट। ये क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे पुराने जमाने के, बहुत एंशियंट टाइम के आपके मैथमेटिशियन है, जिन्होंने क्या किया, जीरो का इन्वेंशन भी किया। और ये पाणिनि है, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने जो ग्रामर संस्कृत ग्रामर है उसको क्या किया है, लिखा है एक तरह से, ठीक है, कंपाइल किया उन सब चीजों को। और ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है आपके चरक, ठीक है, ये है चरक। और चरक ने क्या काम किया है, आप जो आयुर्वेद पढ़ते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन आप देखते हैं, जैसे आप कभी बीमार हो जाते हैं तो घरेलू चीजों से और घरेलू आपके जो स्पाइसेस हैं उन्हीं से ही आप क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, किसी मतलब आपकी पेरेंट्स आपको देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। तो एक तरह से आयुर्वेदिक ज्ञान है, और उसका जो इन्होंने क्या किया, कंपाइलेशन किया है, या फिर उनको सबको इकट्ठा करके उन मेडिसिन को एक बुक में लिखा एक तरह से, ठीक है। तो ये काम किसने किया था, चरक ने किया था। मेरे ख्याल से मैंने चारों ऑप्शन पूरे कर लिए हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ। पतंजलि कौन है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, अभी लेटेस्ट आप सुनते होंगे तो बाबा रामदेव हैं, उनके जो संस्थान का नाम है वो पतंजलि योगपीठ। तो आपको यहां से आपको पता चल जाना चाहिए योगपीठ। तो उन्होंने क्या किया था, आयुर्वेद का नहीं जबकि क्या किया था, योग सूत्र लिखा था, ठीक है, उसमें तरह तरह के योगासन वगैरह थे, ये सारी चीजें उन्होंने उसके अंदर कंपाइल किए थे एक तरह से बुक में, ठीक है, उसको क्या कहा गया, योग सूत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि पतंजलि कौन थे जिन्होंने योग सूत्र एक तरह से लिखा या फिर उसको कंपाइल किया, ठीक है। बाकी हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। देखिए पंचतंत्र क्या है, पंचतंत्र एक छोटे बच्चों की किताब है या बुक है, उसमें क्या किया गया है, सारी कहानियां वगैरह है ना, छोटी छोटी सारी कहानियों को इकट्ठा कर करके और उसको एक बुक का शेप दे दिया है, ठीक है, उसका क्या नाम है, पंचतंत्र है। उसके बाद में आपको देखना है ये शंकराचार्य हैं, इन्होंने क्या लिखा, ब्रह्म सूत्र लिखा,
ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चरक के बारे में अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा कि उन्होंने क्या किया, वो क्या थे, फादर ऑफ आपके आयुर्वेदा थे और आयुर्वेद को उन्होंने कंपाइल किया। अब एक इसमें अलग से मैंने डाला है, सुश्रुता जब भी आपके आ जाए, ये कौन है, ये है फादर ऑफ सर्जरी। एंशियंट टाइम में ही हमारे इंडिया में क्या कर दिया गया था, इन्वेंट कर दिया था, और ये क्या किया करते थे, सर्जरी किया। सर्जरी मतलब जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई कांट छांट करनी है तो उसको बोलते हैं सर्जरी। तो उसको किन्होंने किया या उसको एक तरह से बुक में लिखा अच्छे से किस तरह से करनी है और कैसे होगी, ये वो सारी चीजें किसने की थी, सुश्रुता ने की थी। तो हम सारी चीजों के बारे में जान चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि रिवर लूनी ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपकी जो लूनी रिवर है, ये लूनी रिवर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में है ये, ठीक है, राजस्थान के पुष्कर में। पुष्कर में क्या है, पुष्कर में काफी फेमस मेला लगता है, ठीक है, पुष्कर मेला। और राजस्थान के पुष्कर में ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, और ये ड्रेन आपकी ओशन सॉरी आपका अरेबियन सी में नहीं होती है, ठीक है, उससे पहले ही ये क्या हो जाती है, सूख जाती है, एक साइड ड्राई हो जाती है। तो लूनी जो रिवर है वो आपकी पुष्कर से होते हुए कहाँ जाकर के खत्म हो जाती है, वो किसी ओशन में या फिर सी में ड्रेनेज उसका नहीं होता, वो क्या होती है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन है। ये है कहाँ, ये है गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर जो है वहां पे जाकर के ये सूख जाती है, ना कि ये किसी ओशन में या फिर बे में या सी में कहीं जाकर गिरे, ठीक है। इसको देखते हैं, आपको मैप के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या चीज है। देखिए, ये आपकी लूनी रिवर है और यहाँ क्या है, ये पुष्कर में क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, और आप देखेंगे कि ये किसी अरेबियन सी में या किसी भी सी में नहीं जाती, और ये लैंड पे ही क्या हो जाती है, पहुंचलते चलते सूख जाती है। तो ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, और ये किसका पार्ट है, यहाँ पे जो खत्म हो रही है ये है गुजरात का पार्ट, इस इलाके को क्या कहा जाता है, रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए वेस्टर्न घाट है कहाँ पे, तो मैं आपको मैप के थ्रू इसको ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगा, है ना। तो ये देखिए, आपको ये पता चला ये क्या है, गोवा है। तो ये वाला जो पार्ट है, इधर वाले जो पार्ट है, ये क्या है आपके, इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट। ये ईस्ट पार्ट है और ये क्या है आपका, वेस्ट पार्ट। ये आपका क्या हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, वेस्टर्न घाट हो गया। और इसके बारे में थोड़ा और बता दूं, ये पूरा आपका एक तरह से जंगल का इलाका है, बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे और पूरा जंगली इलाका है, पहाड़ है, सब चीजें हैं, काफी अच्छी जगह है देखने के हिसाब से, तो बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। ये आपकी कावेरी रिवर है और यहां से इसका क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुई है ये, और यहां से बहती हुई ईस्ट की तरफ बहती है, और ये जाकर के कहां गिरती है, ये जाकर के गिरती है किसमें, बे ऑफ बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी नंबर ऑप्शन, कावेरी। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आई थिंक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें देखिए, द कंट्री दैट हैज द हाईएस्ट इन बैरली प्रोडक्शन, बैरली का जो जो है, जो आप समझते होंगे, जो का जो प्रोडक्शन है वो किस कंट्री में सबसे ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी नंबर ऑप्शन, रशिया। और इसको थोड़ा सा और मैं बताता हूं, देखिए सबसे पहले बात करें, ये है आपके स्पाइसेस, स्पाइसेस आप देख लीजिए, किसी भी तरह की इलायची हो गई, बड़ी इलायची, लौंग वगैरह, और ये आपकी काली मिर्च, ये सब चीजें क्या है, स्पाइसेस कहलाती हैं। इसका जो प्रोडक्शन है दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो होता है आपका इंडिया में, ठीक है। इंडिया के बारे में मैंने ये बताया आपको, इसके अलावा टी में भी इंडिया का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, ठीक है। और आप बात करें सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक पे कहाँ आता है, मिल्क के प्रोडक्शन में भी क्या है, इंडिया सबसे आगे। बात करें चाइना की, तो चाइना आपका राइस के लिए फेमस है, ठीक है। सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो होता है चाइना। और बचा आपका रशिया, तो जो ये है आपके जौ, या फिर जिसको हम बैरली कहते हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है आपके रशिया के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाय। सबसे पहले आप समझिए कि सुनामी होती क्या है, जैसे कि ओशन के सरफेस में जब कोई मूवमेंट होती है किसी तरह की, और बड़ी मूवमेंट होती है, तो इससे सुनामी पैदा होती है। और इसका मेन जो रीजन होता है, सबसे खास जो रीजन है, जो नॉर्मली जिससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, वो है आपका अर्थक्वेक, ठीक है। इसको समझते हैं हम, सबसे पहले अर्थक्वेक क्या चीज है। तो जैसे मान लीजिए आपकी सरफेस है, और सरफेस को भी मैं बाद में बताता हूं, पहले आप ये समझिए कि अर्थक्वेक आते कहां पे। अर्थक्वेक आपके वहां आते हैं जहां पे आपकी दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो जहां पे मिलती हैं और उनमें कुछ फ्रिक्शन होता है,
तो जो सरफेस है उसके नीचे क्या होगी, एक तरह से सडन मूवमेंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो है और काफी अच्छा वीडियो है, ठीक है, वो आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें आपकी अंडरसी लैंडस्लाइड। अंडरसी लैंडस्लाइड क्या है कि लैंडस्लाइड होता है जब आप ओशन फ्लोर के ऊपर देखें, ओशन के नीचे भी आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े एक तरह से पहाड़ जैसे, ठीक है, वहां पे अगर कोई बड़ा लैंडस्लाइड होता है तो उसको उससे क्या होता है कि बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो जाती हैं ओशन के अंदर, और उससे क्या आती है, सुनामी आती है। तो अर्थक्वेक से सुनामी आती है, अगर मान लीजिए वो मूवमेंट ओशन के अंदर हुआ है टेक्टोनिक प्लेट्स का, तो क्या होगी, बड़ी सुनामी आएगी, जैसे कि आप देखिए इंडिया में भी आई थी और जापान में भी 2011 के अराउंड मेरे ख्याल से आई थी, और उसका जो मेजर अगर किया जाए अर्थक्वेक को तो काफी बड़ा वो आपका अर्थक्वेक था। उसके बाद डी ऑप्शन देखिए, वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनो अभी आपने बाहर देखे होंगे, तो ये ओशन के अंदर जो सरफेस है उसके अंदर भी वोल्केनो इरप्शन होता है, और वहां पे अगर वोल्केनो इरप्शन हो जाए तो आप देखेंगे कि नीचे से जो प्रेशर आएगा उसको क्या करेगा, वो लहरों को और उठा देगा, और लहरें उठने की वजह से क्या आती है, सुनामी आती। अब हरिकेन क्या है, ये आपकी हवा है, एक तरह से तूफान को बोल दीजिए, बहुत तेज तूफान होता है उसको एक तरह से आप क्या माने, हरिकेन माने। इसके साथ मैं आपको एक चीज और करवाता हूं, ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ये दो पावर्स होती हैं। एंडोजेनिक कौन सी होती हैं, ये होती हैं जो जमीन के अर्थ के सरफेस के अंदर आए, नीचे आए, उसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज, और जो जमीन या सरफेस है इससे बाहर की बात करें तो वो क्या होती है, आपकी एक्सोजेनिक होती है, जैसे तूफान हो गया, बारिश हो गई, आपकी हेल्स हो गए, ये सारे क्या है, एक्सोजेनिक पावर्स। और इंडोजेनिक कौन सी होगी, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, वोल्केनो इरप्शन हो गया, जो अंदर आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक्सोजेनिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डीडीटी वाज इन्वेंटेड बाय, डीडीटी क्या चीज है, डीडीटी एक तरह से जो इन्वेंशन हुआ था वो एक तरह से कीटनाशक था, कीटनाशक ये समझ लीजिए कि पेस्टिसाइड था, पेस्टिसाइड क्या काम करते हैं, कीड़ों मकोड़ों को मारने का काम करते हैं, तो उसका जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, मूसली ने किया था, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, आपके मूसली है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, डीडीटी का आविष्कार किया था या इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो समझिए क्या है, इंडस रिवर ओरिजिनेट इन, इंडस रिवर जो है काफी पुरानी और बहुत ज्यादा फेमस है, इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर के नजदीक ही हुआ, उसके बाउंड्री पे ही हुआ है, ठीक है, और इसको मैं मैप से आपको समझाता हूं, इंडस रिवर का ओरिजिनेट कहां हुआ है, ये हुआ आपके तिब्बत में। अभी इसको समझते हैं जरा देखिए यहां पे आप देखिए ये क्या है, लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर क्या चीज है, लेक मानसरोवर है आपके तिब्बत के अंदर, जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होते हैं तो एक बड़ी सी लेक का निर्माण करते हैं, बड़ी सी लेक को ओरिजिन मतलब बनाते हैं, उस लेक से क्या होता है, ये रिवर बहना शुरू होती है, ये रिवर आपकी कौन सी है, इंडस रिवर, और ये बहती हुई ले और लद्दाख में से होती हुई ये चली जाती है आपके पाकिस्तान में, ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं ये इंडिया है और ये इस तरफ है वो आपका पाकिस्तान, तो ये कहां चलेगी, पाकिस्तान। अब इसके साथ होता क्या है, इंडस रिवर के साथ साथ आपका जो झेलम है, चिनाब है, ब्यास है और सतलज है, ये अलग अलग रिवर हैं जो आपकी अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, और ये जाकर के आपस में मिलती हुई कहां मिल जाती हैं, पाकिस्तान के मिथानकोट नाम की एक जगह है, वहां जाकर के सारी आपस में मिल जाती हैं, और ये पूरी फिर एक होकर के आगे जाती हैं और जाकर के आपकी अरेबियन सी में इसका ड्रेनेज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका इंडस रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है और कहां से इसका उद्गम होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तिब्बत के मानसरोवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका वीनस, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, वेयर वाज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया है कि जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है सबसे पहले इंडिया में कहां पे आई, जब पुराने टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ एक तरह से, ठीक है, उसको कहां पे मतलब सप्लाई किया गया, सबसे पहले कौन सी जगह पे बिजली आई इंडिया में, तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका दार्जिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which one of the following ports is the oldest port in India? तो जो oldest port था वो कौन सा, ठीक है, तो इसका जो oldest port है वो कौन सा आपका, कलकत्ता जो port है वो सबसे दुनिया का oldest port, दुनिया का सॉरी इंडिया का oldest port है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अलग अलग आपके पोर्ट बनाए हुए हैं, कांडला है, मुंबई है, और आपका मार्म गोवा है, मंगलोरू है, कोची है, ये सारे पोर्ट आपको मैंने इसमें शो कर दिए हैं। और कोलकाता पोर्ट कौन सा है, ये वाला कोलकाता पोर्ट है और ये चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा। अब ये अलकनंदा और भागीरथी है, ये दोनों रिवर आकर के कहां पे मिलती हैं और क्या बनाते हैं फिर ये गंगा रिवर? शुरुआत से नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अकेली गंगा रिवर आपको रेयर नजर आएगी, ये सारी नदियां आपस में मिलकर के क्या करती हैं, गंगा रिवर का निर्माण करती हैं सारी, जैसे कि गंडक, घाघरा, गोमती, ये सब नदियां क्या है, गंगा की आपकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब ये ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे पहले दो ट्रिब्यूटरीज है, अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों जब आपस में आकर के मिल जाती है तो ये किसका निर्माण करती है, गंगा रिवर का निर्माण करती है। अब जहां पे आके ये मिलती है वो क्या है उसका राइट आंसर, कहां पे आके मिलती है वो है आपका देवप्रयाग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क, ये क्या लोकेशन है? ये आपकी लोकेशन है, ये है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है। कहां पे है ये? न्यूयॉर्क के अंदर है। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कौन सा है, 23 नंबर क्वेश्चन है, फीफा स्टैंड्स फॉर, आप सभी को पता होगा फीफा क्या है, ये फुटबॉल से रिलेटेड आपका गेम है, और इसकी जो फुल फॉर्म, ये आप एब्रीवेशन देख पा रहे हैं फीफा, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, किस धर्म के अंदर, किस रिलीजन के अंदर क्या है कि फायर टेम्पल होता है और उसमें फायर की पूजा होती है एक तरह से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है। ज़ोरास्ट्र कौन होते हैं? इनको आप पारसी के नाम से भी जान सकते हैं, पारसी भी कहलाते हैं ये, और इनकी पहचान अगर आपको करनी है तो इनके ऊपर व्हाइट कैप होती है एक तरह से, ठीक है, इस तरह की व्हाइट और रेड टाइप की पहनते हैं, मैक्सिमम लोग व्हाइट ही पहनते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, तो जो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये है आपका पुणे के अंदर, पुणे महाराष्ट्र में, ये क्या है आपका फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट है। और अगर बात करें जैसे कि आपके जो फेमस एक्टर हैं, मैक्सिमम एक्टर क्या है आपके, जो कहां से आपकी ट्रेनिंग करते हैं, वो है आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि आपका कहां है, दिल्ली के अंदर, वहां से ट्रेनिंग लेते हैं, और उसमें ट्रेनिंग या फिर एक तरह से आपके जो एक्ट होते हैं उनकी स्टडी करवाते हैं, एक पूरा स्कूल है, एक कॉलेज है जहां पे इन सब चीजों को पढ़ाया जाता है। ये कहां पे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लोकेशन क्या है, तो उसकी लोकेशन है दिल्ली। और अगर बात करें आपका फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, ये है आपका पुणे महाराष्ट्र के अंदर। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, तो गर्म पानी सेंचुरी कहां है आपकी? दीपू, आसाम के अंदर, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये आसाम है, और यहां पे आपकी क्या है, गर्म पानी नाम की सेंचुरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन 27 जो है वो है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इन नोबेल प्राइज अवॉर्डेड, नोबेल प्राइज किन किन क्षेत्रों में या किन किन चीजों के लिए आपको मिलता है? तो अगर आप लिटरेचर में अच्छा काम करते हैं, ठीक है, पोएट्री वगैरह अगर आप अच्छी लिखते हैं, पीस के लिए, शांति का कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे दो देशों के बीच में अगर कोई झगड़ा है और उसके उनके आपस की जो डिस्प्यूट है उसको अगर आप ठीक करवा देते हैं, तो आपको ये मिल सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है? इकोनॉमिक्स आप इस तरह से समझिए कि पैसे से रिलेटेड लेन देन है, प्राइस दिया जाता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और साइकोलॉजी है, और मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों में ही क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी नंबर ऑप्शन रहेगा, कि किन किन एरियाज में या किन किन क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो आपका पीस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लिटरेचर हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन, इन सब चीजों में क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? आप सभी को पता होगा ये है न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स एट द सर्फेस ऑफ वॉटर कैन बी व्यूड फ्रॉम ए सबमरीन अंडर वॉटर बाई यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? जैसे कि आप सबमरीन, तो आप सभी जानते हैं क्या चीज होती है सबमरीन। एक आप याद रखिए कि वाटर के अंदर जो विजिबिलिटी होती है हमारी वो क्या हो जाती है, सरफेस के बजाय क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब ये हो गया विजिबिलिटी का कि जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो आप दूर तक चीजों को नहीं देख पाते हैं।
तो उसके अंदर जब आप सबमरीन होती है वो पानी के अंदर ही चलती है और चीजों को जब उसको देखने की जरूरत पड़ती है एक तरह से, जैसे सरफेस की कोई चीज है उसको देखने की जरूरत पड़े तो किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका पेरिस्कोप, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकियों के बारे में आपको बता, ये आप देख रहे हैं ये क्या है आपका पेरिस्कोप, इसको क्या बोला जाता है पेरिस्कोप। ठीक है, ये आपका वाटर हो गया, वाटर लेवल हो गया, और इसके नीचे क्या है आपकी सबमरीन है, और सबमरीन से आपको अगर देखना है बाहर कुछ तो आप इसका यूज करते हैं, क्या है ये पेरिस्कोप। स्टेथोस्कोप आपको पता है डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं हार्ट बीट को चेक करने के लिए, ये आपका टेलीस्कोप हो गया, जब आपको स्पेस में कुछ रिसर्च करनी है देखना है ठीक है तो आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रोफेसर अमृत्य सेन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन दिस फील्ड, किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला डॉक्टर अमृत्य सेन को, इंडिया के थे ठीक है ना, नोबेल प्राइज पाने वाले इंसान, और इनको मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ठीक है, तो इनको क्या मिला था नोबेल प्राइज मिला था। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 31 नंबर ये आपके अमृत्य सेन है, और 31 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाई अमजद अली खान। अमजद अली खान क्या थे, बहुत ही अच्छे सरोद वादक थे ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन बजा रहा है ठीक है, और उनके नाम ठीक है, ये सारी चीजें आपकी, और इसमें मैं बता देता हूं अमजद अली खान कौन थे, ये आपके सरोद वादक थे। सरोद दिखता कैसा है वो आपको मैं बताता हूँ, ये गिटार जैसा होता है ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये आपके अमजद अली खान है, और जो बजा रहे हैं जिस भी प्ले मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जा रहा है वो क्या है आपका ये सरोद है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन वी कुरियन इज फेमस इन फील्ड ऑफ, तो वर्गीस कुरियन कौन थे, ये थे इन्होंने डेयरी प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, मतलब कि आजादी के बाद जब हमारा डेवलपमेंट हो ही रहा था इंडिया का ठीक है, उस टाइम पे जो आप देखते हैं कि बहुत सारा मतलब इतना प्रोडक्शन नहीं था दूध का जितना आज हम देखते हैं, आज के टाइम में मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया दुनिया में सबसे फर्स्ट है ठीक है, तो उसका अगर कहीं ना कहीं श्रेय देना हो तो आप किसको देंगे, वर्गीस कुरियन को देंगे। और वर्गीस कुरियन ने क्या किया था कि नई नई चीजों को इजाद किया, नए नए प्लान तैयार किए, जिससे क्या हुआ कि डेयरी प्रोडक्शन जो था ठीक है उसको क्या हुआ उसमें बढ़ोतरी हुई एक तरह से। कौन थे ये देखिए, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन ठीक है, इनको क्या कहा जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब आते हैं, मीरा शाहिद फातिमा बीवी हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेडी, तो जो फातिमा बीवी है ये फेमस किसके लिए है, ये क्या थी इंडिया की सबसे पहली क्या थी आपकी सुप्रीम कोर्ट की जज थी ठीक है, और उसके बाद जो आप देखेंगे ये बेनजीर भुट्टो है, ये दुनिया की सबसे पहली क्या थी, वर्ल्ड की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर थी फीमेल, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, ये जो आप देख रहे हैं ठीक है, ये क्या रही है हमारी इंडिया की पहली स्टेट सॉरी फीमेल है जो किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु क्रिएटेड द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, तो रॉक गार्डन क्या है ये आप समझ लीजिए, रॉक गार्डन जो टूटी फूटी चीजें हैं जो इसको आप गार्बेज की तरह इस्तेमाल करते हैं, चीजें पुरानी टूटी फूटी टाइलें हो गई चूड़ियां हो गई इस तरह की चीजों से क्या किया गया चंडीगढ़ के अंदर क्या किया है एक तरह से पार्क तैयार किया गया है, गार्डन तैयार किया है, किसने किया वो नेकचंद ने किया। इसका जो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन रहेगा, नेकचंद कौन थे ये आप देख रहे हैं ये नेकचंद है, और ये जो आप साथ में स्टैच्यू सा देख रहे हैं इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये छोटी छोटी टाइलें हैं रंग बिरंगी कलरफुल जिसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उन्होंने क्या किया इनको सबको कंपाइल मतलब एक तरह से जोड़ा और इसको एक अच्छे स्टैच्यू के अंदर मतलब उन्होंने पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है द लेडी विद द लैम्प वाज द नेम गिवन टू, लेडी विद द लैम्प का मतलब ये हो गया कि जो लेडी विद द लैम्प ये उपाधि किसको दी गई है, तो ये आपकी कौन है फ्लोरेंस नाइटेंगल है, ये जो इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताता हूं, ये आपकी फ्लोरेंस नाइटेंगल है जो क्या है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग मतलब ये हो गया कि आप हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो आपने देखी होंगी नर्सिंग स्टाफ देखा होगा, तो वो नर्सिंग स्टाफ का जो चलन आया ठीक है वो सब चीजें शुरुआत हुई उनकी उसका श्रेय किसको जाता है वो शुरुआत इन्होंने की थी। अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन
ब्रेन का जो सबसे बिगेस्ट पार्ट है वो आप देखिए कौन सा है आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम कौन सा पार्ट है वो बताता हूं आपको। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, सेरेब्रम कहलाता है। ठीक है, सेरेब्रम, उसके बाद में उसके नीचे का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है सेरेब्लम, और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। यहां से आपकी आपकी जो नर्वस सिस्टम है या नर्व्स हैं, सॉरी नर्व्स है, वो सारी यहां से कनेक्ट होती हैं और यहां से आपके ब्रेन को मैसेज जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, ये है आपका ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है आपके ब्रेन का वो कौन कौन सा है आपका, वो है सेरेब्रम। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन में देखिए नासा मोस्ट फेमस स्पेस टेलीस्कोप गोज बाय द नेम। तो नासा ने एक बड़ा सा टेलीस्कोप है जिसको उन्होंने स्पेस में क्या किया है, भेजा है, और वो किसी ना किसी वजह से क्या है, चर्चा में रहता है। और अभी लेटेस्ट उन्होंने क्या किया है कि कई सारे ऐसे प्लैनेट और ऐसे स्टार्स हैं जिनकी फोटो उन्होंने अर्थ पे जो हेडक्वार्टर है नासा का वहां पे भेजी है, और उनसे कई नई नई जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, तो उनका जो आपका जो टेलीस्कोप है उसका नाम क्या है, हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उसका नाम क्या है, हबल स्पेस टेलीस्कोप है, बी नंबर ऑप्शन का राइट आंसर। आगे ये आप देख लीजिए, ये है जो टेलीस्कोप है वो उसको स्पेस में एक तरह से लगाया गया है, और ये स्पेस में ही रहता है ना कि हमारी अर्थ के ऊपर है। ठीक है, और ये क्या करता है, दूर की जो काफी ज्यादा आपके डिस्टेंस पे है, जैसे काफी लाइट ईयर दूर जो आपके स्टार्स हैं उनकी फोटो खींच करके ये क्या करेगा, अपने हेडक्वार्टर में भेजेगा और उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द रूम टेम्परेचर विच इज ओनली मेटल दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। तो देखिए मेटल सारे के सारे क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जा करके क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। चाहे आप आयरन लीजिए, गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए, सारी चीजें कॉपर ले लीजिए, ये क्या होंगे, इनके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वहां जाने के बाद ये सारे क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तब जा करके वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है कि आप हाथ में रखेंगे या रूम में, जैसे मैं रख दूं, उस रूम के टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। तो वो कौन सा है आपका, मर्क्यूरी। ये जो आप देख रहे हैं आपने रखा हुआ है और आप देखेंगे कि ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये कौन सा मेटल है, मर्क्यूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी नंबर ऑप्शन रहेगा, मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। एटमिक न्यूक्लियस क्या होता है, ये बीच वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, एटमिक न्यूक्लियस एक तरह से इसको कहा जाता है। इसका सबसे पहले जो क्या किया, डिस्कवर किसने किया, तो जो रदरफोर्ड है इन्होंने क्या किया था, इसका इन्वेंशन किया था या फिर इनको डिस्कवर किया था। अच्छा, 40 नंबर, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज द डिजीज ऑफ स्लो ब्लड क्लॉटिंग। तो देखिए अगर आपके ब्लड क्लॉट, पहले तो आप ये समझ लीजिए चीजें, मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में कम है या किसी वजह से कोई कमी आ गई है विटामिन सी में, विटामिन सी आपको कहां से मिलता है, खट्टी चीजों में मिलता है। चाहे आप कोई भी खट्टी चीज खाते हैं जैसे ऑरेंज वगैरह, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, विटामिन सी प्रॉपर रहेगा। अगर आप उन चीजों की कमी हो जाती है, आप खट्टी चीजें वगैरह नहीं खाते हैं, ठीक है, अगर किसी भी वजह से आपकी विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको कौन से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वो है आपका स्कर्वी। स्कर्वी से क्या होगा, आपके जो टीथ हैं और गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनमें क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, ढीले हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, और गम्स हैं वो फूल जाएंगे एक तरह से, ठीक है। इसके बाद बात करें विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स क्या है कि आपकी जो बोन्स हैं इनमें क्या हो जाएगा, एक तरह से बैंड आना शुरू हो जाता है, मुड़ाव आना शुरू हो जाता है, ठीक है, हड्डियों की ये प्रॉब्लम है। और अगर बात करें विटामिन के की, तो ये इसका राइट आंसर है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होती है, आपकी स्लो ब्लड क्लॉटिंग होती है। स्लो ब्लड क्लॉटिंग आप ये समझिए जैसे आपको कोई चोट लग गई, अभी आप देखेंगे कि आपकी बॉडी क्या होती है, हील कर जाती है, जल्दी ही वो ब्लड धीरे धीरे आना बंद हो जाता है, और यहां से शुरुआत में जब चोट आपको लगती है तो ये ब्लड आ रहा है, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तरह से ब्लड क्लॉट बन जाएगा और वो क्या कर देगा, ब्लड को बाहर निकलने से रोक देता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो क्या होगा, ब्लड आपका लगातार बहता रहेगा जब तक आप उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये रीजन है जो कि आपको क्या कहलाता है कि भाई एक तरह से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांबा डांस इज फेमस इन। सांबा डांस है ये
किस देश का है और कहां पे फेमस है, इसका राइट आंसर है ब्राजील। सांबा डांस जो आप देख रहे हैं ये है, इसके अंदर क्या होता है कि लेडीज हैं वो अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहनती हैं और डांस वगैरह करती हैं। तो ये सांबा डांस है वो कहां फेमस है आपके, ब्राजील के अंदर, ठीक है, इस देश का डांस है ये ब्राजील का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राउफ इज ए फोक डांस और इट हैज इट्स ओरिजिनल इन, तो ये राउफ डांस है ये आपको पता होगा, ये डांस है आपके कश्मीर का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विच वन इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट, किस चीज से, मतलब किस छोटे एक तरह से इंसेक्ट से बाइट से कौन सा रोग होता है, इनमें से कोई है जो क्या है आपके किसी कीड़े के काटने से हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा डेंगू ये आप देखिए ये क्या है, एक तरह से मॉस्किटो है, और डेंगू होता किसकी वजह से है ये आपको पता होना चाहिए, एडीज है इसके मॉस्किटो की वजह से होता है। और मलेरिया की अगर बात करें तो मलेरिया जो रोग है, मलेरिया जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, वो भी मच्छर काटने की वजह से होती है, बट वो मच्छर का नाम क्या है आपका, फीमेल और एनोफिलीज, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा आपको मलेरिया होगा। और अगर आप बात करें डेंगू की तो ये होता है एडीज नाम के एक मच्छर के काटने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द अल्जाइमर डिजीज अफेक्ट, अल्जाइमर डिजीज किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है, मतलब किस पे उसका असर होता है बॉडी पे, तो इसको समझते हैं आप इससे। देखिए ये क्या है, सबसे पहले तो इसका आंसर है ब्रेन, और इसमें होता क्या है कि ब्रेन जो है वो आपका क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। श्रिंक का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल साइज है उससे वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे कि इसको समझिए, जो ओरिजिनल ब्रेन साइज है वो एक्चुअल में क्या है, इस तरह से यहां तक, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है, कोई इंसान है, वो अल्जाइमर से अगर पीड़ित है तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी न्यूरॉन्स हैं वो मर जाती हैं और ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाता है। और अब इसका क्या हो गया है, एक्चुअल जो साइज है वो इस तरह से आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली क्या हो गया है, वो छोटा हो गया, ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज है वो किसकी है, किसको इफेक्ट करती है, कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है वो करती है आपके ब्रेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किस वजह से होता है, ये आप जो देखेंगे कि पॉल्यूशन जो होता है आपका धुआं, जैसे गाड़ियां हैं, कोई भी चीज आप अगर उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, कार्बन उसके अंदर से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और उस कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्लोव क्या होता है, जो घरों में आप देखते हैं लौंग जिसको बोलते हैं, चाय वगैरह में और खाने वगैरह की सब्जियों वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कहा जा रहा है कि क्लोव कहां से आपको मिलता है, क्या होता है वो, क्लोव होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको आप समझिए, ये क्या होती है, एक तरह से फ्लावर बर्ड होता है, फ्लावर बर्ड। देखिए आप इसको मैं एक तरह से बना के दिखा दूं, या फिर आप देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये आप देखेंगे तो ये क्या है, एक तरह से फ्लावर बर्ड है, और यहां से इसकी क्या है, फ्लावर या पत्तियां निकलती हैं। ओरिजिनल लुक में हम देखें शुरुआत में एक ऐसा होता है, तो ये इस तरह का होता है, तो ये क्या है, एक तरह से फ्लावर बर्ड है, ठीक है। और राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, डी नंबर ऑप्शन। अच्छा, फैदोमीटर इज यूज टू, फैदोमीटर क्या है, फैदोमीटर को किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या मेजर करते हैं फैदोमीटर से, हम इसको समझते हैं, साथ साथ हम इसके चारों ऑप्शन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फैदोमीटर देखिए, फैदोमीटर क्या करता है आपका, ओशन की जो डेप्थ है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या काम होता है, देखिए जैसे जब आप ये देखिए, ये शिप है एक तरह की, ठीक है, और शिप जब पानी पे फ्लो करती है तो नीचे हम देख नहीं पाते कि नीचे कितनी डेप्थ है और कितनी गहराई है, पानी कितना गहरा है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, पैडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पैडोमीटर क्या करेगा कि यहां से इस डिस्टेंस को बताएगा कि सरफेस यहां से कितना दूर है, ठीक है, और सरफेस का जब आपको पता चल जाएगा तब आप इससे बात क्या होती, काम क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए यहां सरफेस से टकरा जाए तो क्या हो सकता है, ये सिंक कर सकता है, डूब सकता है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, ओशियन की जो डेप्थ है उसको जांचने के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। रेनफॉल, बारिश कहां कितनी हुई है, कितनी ज्यादा हुई है, कितनी कम हुई है, उसको जांचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है।
वही बात करें साउंड की इंटेंसिटी, साउंड कितना आ रहा है, कितना तेज, ठीक है, उसको जांचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो यूनिट है इसकी ऑडियो की, आवाज की, वो क्या है, डेसिबल। अगर बात करें अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के लिए आपको पता है सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो इसका इन्वेंशन किया था वो चार्ल्स रिक्टर ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए नंबर ऑप्शन रहेगा, कैरियप्पा, के एम कैरियप्पा। ये आपके क्या है, के एम कैरियप्पा है, ठीक है, जो आपके इंडिया के फर्स्ट आपके चीफ ऑफ आर्मी थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड। तो देखिए गैल्वेनाइजिंग क्या होता है कि आप एक तरह से समझिए इस चीज को, इसको डिटेली मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा डिटेल से। आप जब आयरन देते हैं उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले कास्टिंग की जाती है, जैसे भी उसको अगर आप आयरन लेकर के आए आयरन ओर को, उसको मेल्ट करके कोई भी शेप दिया जाता है, जैसे पाइप का शेप दे दिया, ट्राइंगुलर शेप दे दिया है, रेक्टेंगुलर शेप दे दिया है, किसी भी तरह का शेप देने के बाद उस पर क्या कर दी जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है। प्रोसीजिंग अलग अलग है प्रोसेस के सारे। जिंक की कोटिंग करने के बाद क्या होता है, जो आयरन है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, एक तरह से इस्तेमाल करने में उस पर रस्टिंग नहीं होती है, जंग नहीं लगता एक तरह से, ठीक है, तो लंबे टाइम तक चलता है, तो गैल्वेनाइजिंग उसी को कहा जाता है, जब आप उस पर क्या कर देते हैं, जिंक का कवरिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं एक तरह से। जैसे आपने देखा होगा आम, हम कोई घर में कोई चीज है, गाड़ी ले लीजिए, ठीक है, उस पर क्या हो जाता है, रस्टिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है, इतनी भी जल्दी नहीं होती, लेकिन कई आयरन होते हैं उन पर रस्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे रेलवे ट्रैक जो होते हैं उनकी रस्टिंग जल्दी इजीली नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि उस पर क्या होता है, जिंक का कवर होता है, कोटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद गेम ऑफ, तो डूरंड कप क्या है, आपका फुटबॉल से रिलेटेड गेम है ये, ठीक है, जो इसका राइट आंसर रहेगा वो बी नंबर ऑप्शन रहेगा, फुटबॉल। तो इस तरह से हमने सारे जितने 50 क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए हैं, ठीक है। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में आपको क्वेरीज है, ठीक है, तो उसको अगर आपको चेक करना है या कहना पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर से मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।